नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के नौरजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परा में उल्टी दस्त के प्रकोप से ग्रामीणों का बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बीते एक सप्ताह से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता मात्र ORS का घोल बांट रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा। आपके यहाँ कौन खत्म होगा? मेरे पिताजी। कैसे? वही उल्टी दस्त। ये पूरे गांव में फैला है क्या? हाँ, ये पूरे गांव में फैला है। अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं इस गांव में? यहाँ तो लगभग 4। 4 लोग खत्म हो गए। जिला प्रशासन की कोई टीम आई यहाँ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। अभी आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? अभी मेरे घर में 2 लोग बीमार। इनको हॉस्पिटल ले गए? नहीं, हम लोग प्राइवेट ऐसे करवाए हैं, क्योंकि वहाँ भी बता रहे हैं कि जगह नहीं है कोई, मतलब वहाँ पूछ जान नहीं हो रहा है, वहाँ से यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। तो हम लोग बोले कि भाई प्राइवेट दवा, जहाँ तक हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा दाम रहा तो हम प्राइवेट करवाए। तो ऐसे करते करते तले पिताजी खत्म हो गया। अगर जिला प्रशासन कोई रुचि नहीं लेता? नहीं, इधर कोई तो अभी उनको नहीं है। हम सरपंच तक को यहाँ तक बताए कि भाई गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप कुछ कार्रवाई करो इसके बारे में। कहे नहीं, हम उसको दे दिए हैं डॉक्टर को, लिख के आज कैंप लगेगा, कल कैंप लगे, तब तक मतलब हमारे घर में काम हो गया है। जब कैंप लगते लगते आज से कम से महीना भर से लगभग आज 4 लोग ख़त्म हो गए हैं आज तक, है ना। तो एक सर्पदंश से ख़त्म हुआ है, और एक को लकवा मार दिया था उसमें ख़त्म हुआ है, और एक लेडीज थी जो लंबी बीमारी से ख़त्म हुई है, और एक आज एक सरपंच ख़त्म हुआ है, वो भी लंबी बीमारी से ख़त्म हुआ है। सर, ये कहना है वहाँ के ग्रामीणों का कि उल्टी दस्त का प्रकोप है और स्वास्थ्य भी अमला नहीं पहुँच रहा वहाँ? ऐसा नहीं है। परसों भी मैं गया था टीम को लेकर के, कल दिन भर मैं टीम के साथ में था। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।